हेलो स्टूडेंट, एक नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। मेरा नाम अंकित, आप देख रहे हैं हिस्ट्री पावर पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी ब्रांच हो तो आप पे इलेक्ट्रिकल का एक सब्जेक्ट है ही। आज वीडियो की जो पार्ट होने वाली है वो 42 होने वाली है। आज के वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बात करने वाला हूँ जिसका नाम है कनेक्शन ऑफ थ्री फेज। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने कनेक्शन ऑफ थ्री फेज में वाई कनेक्शन यानी स्टार कनेक्शन या कहें थ्री फेज फोर वायर सिस्टम पढ़े थे, लेकिन आज की इस वीडियो में डेल्टा कनेक्शन जिसको मेस कनेक्शन के नाम से जानते हैं, जिसे थ्री वायर सिस्टम बोलते हैं, इसके बारे में जानेंगे। अगर आपने डेल्टा कनेक्शन नहीं स्टार कनेक्शन वाला नहीं देखा तो आपको डेल्टा कनेक्शन नहीं आएगा, और ये दोनों चीज़ें अलग अलग पेपर में आती हैं और 5 मार्क्स का पूछा भी जाता है। सो गाइस, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से हम बता दें और क्या बताएंगे आपको, डेल्टा कनेक्शन या मेस कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बीच में रिलेशन एंड डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट एंड फेज करंट के बीच में रिलेशन। दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अंत तक बने रहिएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्त के साथ। तो चलिए बिना किसी तरीके आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर आपने स्टार कनेक्शंस के लिए चीज नहीं पढ़ी है तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आपको ये नहीं समझ में आएगा, और यह पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन के रूप में आया था। पिछली बार भी आया था और इस बार भी आने के पूरे चांसेस हैं। तो समझ सकते हो यार कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है, और काफी लोग इससे पूछते भी रहते हैं। देखिए, यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन कैसे बनता है उसको आप फटाफट से समझ लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो डेल्टा कनेक्शन या मेस कनेक्शन का चित्र बना दिया गया है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम 3 कुंडलियों को लेकर के हम ये कनेक्शन बनाते हैं। यहाँ पे एक कुंडली होती है जिसको यहाँ पे देख रहे हैं, उसके 2 टर्मिनल होंगे, एक A1 दूसरा A2। इसी प्रकार से हमारी दूसरी क्वाइल होगी जिसका सिरे होंगे B1 और B2। ठीक इसी प्रकार से एक तीसरी क्वाइल होगी जिसके सिरे होंगे यानी टर्मिनल होंगे C1 और C2। जब हम किसी कुंडली के पहले सिरे को, ध्यान दीजिएगा, पहले सिरे को दूसरी कुंडली के दूसरे टर्मिनल से, ठीक है, पहले टर्मिनल के दूसरे, देखिए एक कुंडली के दूसरे टर्मिनल और दूसरे के पहले से, फिर इसके बाद दूसरे कुंडली के दूसरे सिरे को तीसरे के पहले से, और अंत में जो तीसरी कुंडली होती है उसके पहले इधर कनेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से गाइस आपका बनता है डेल्टा कनेक्शन जिसको मेस कनेक्शन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, यहां पर जो आपके डेल्टा कनेक्शन या मेस कनेक्शन है इसमें 3 टर्मिनल प्राप्त होते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें न्यूट्रल पॉइंट कोई नहीं प्राप्त होता है, और इसका यूज मैं थोड़ा सा बता दूं कहां यूज करते हैं। अगर वोल्टेज को हमें स्टेप अप करना होगा तो हम डेल्टा कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अगर डाउन करना है तो हम स्टार कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, यहां पे 3 टर्मिनल निकलेंगे, एक टर्मिनल यहां से निकलेगा जिसको आर बोलेंगे, एक टर्मिनल यहां से निकलेगा जिसको वाई बोलेंगे, देन उसके बाद नेक्स्ट तीसरा टर्मिनल निकलेगा इसको बी बोलेंगे, यानी रेड येलो एंड ब्लू। अब देखिए, जो भी तीनों वायर्स हमारे आर वाई बी निकलेंगे इनको हम लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 बोलेंगे। देखिए, जो आपके यहाँ पे तीनों फेज प्राप्त होते हैं, इसलिए हम जो हमारा यहाँ पे तीनों फेज, देखिए एक फेज, दो फेज, तीन फेज, तो हम तीनों जो फेज हैं, ठीक है, तीनों लाइन है, इन तीनों के बीच में जो वोल्टेज होगा उसको लाइन वोल्टेज ही बोलेंगे, इसमें फेज वोल्टेज का कोई केस ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहां पे जो करंट है, देखिए यहां पे करंट IR - IB फ्लो होगा, इधर से IR, और लेकिन इधर करंट IB चल जा रही है, इसलिए इसमें जो करंट निकलेगी वो IR तो जा रही, लेकिन IB जितना इधर चली जाएगी उससे बचे हुए करंट इसमें निकलेगी। ठीक उसी प्रकार से इसमें IY - VR निकलेगा, IR - IR, ध्यान दीजिएगा, IY - IR करंट इससे जाएगी। उसके बाद इसकी अगर मैं बात करूं तो IB - IY करंट जाएगी, क्योंकि जो इधर आ रही भाई इधर चली जाएगी और बची हुई करंट को माइनस कर देंगे। तो यहां पे तीनों चीज देख सकते हैं, सब कुछ दिखा दिया गया, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको डायग्राम बना लेने हैं डेल्टा कनेक्शन या मेस कनेक्शन के, सबसे पहले बिना कुछ लिखे। अब देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, कैसे क्या होता है, कैसे लिखेंगे कि अच्छा मार्क्स मिलेंगे, गुड मार्क्स मिलेंगे, तो उसको समझ लीजिए एक नज़र में। देखिए, थ्री फेज का वह कनेक्शन कैसे बताएंगे, देखिए थ्री फेज का वह कनेक्शन जिसमें वन फेज के पहले, ध्यान दीजिएगा, वन फेज के पहले सिरे को दूसरे फेज के अंतिम सिरे से संयोजित करते हैं, और यही चीज़ आपकी कहलाती है डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, और जैसे हमने बताया इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला बिल्कुल आसान भाषा में, और ये वाला भी जो था वो भी आसान था, लेकिन अपने अपने समझने के तरीके हैं, ठीक है। तो बेसिक सी परिभाषा रही डेल्टा कनेक्शन की, एक फेज के पहले सिरे को दूसरे फेज के अंतिम सिरे के टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं तो आपका डेल्टा कनेक्शन कहलाता है या डेल्टा कनेक्शन बन जाता है।
आगे देखिए आपका डेल्टा कनेक्शन में कोई न्यूट्रल पॉइंट प्राप्त नहीं होता, कोई न्यूट्रल पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इस प्रणाली को थ्री फेज वायर सिस्टम के नाम से जानते हैं। थ्री फेज फोर वायर सिस्टम का कोई केस नहीं है, तो हम इसको कहेंगे थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम के नाम से जानेंगे। ठीक है, तीन फेज रहेगा और तीन ही वायर रहेंगे। डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि जो प्रत्येक फेज वोल्टेज होता है यानी VPH होता है, ठीक है, प्रत्येक फेज वोल्टेज तथा VPH तथा फेज में प्रवाहित होने वाली धारा, ठीक है, जो वोल्टेज होता है इसमें और इसमें जो फेज में होने वाली जो धारा है वो फेज करंट IPS कहते हैं। ठीक है, इसको क्या, फेज वोल्टेज और इसमें जो फ्लो होने करंट क्या होते हैं, फेज करंट बोलते हैं। और ध्यान दीजिएगा यवम, ये जो देखिए आपको दिख रहा थोड़ा सा पेंटिंग टाइप का, कहीं वर्ड गलत हो गए तो उसको हमने वाइटनर से इस तरीके से पेंट कर दिया, तो इसके साइड में भी पेंट करने पड़ेंगे, तो उससे आपको कोई घबराना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्रवाहित धारा जो होती है फेज करंट IPS कहते हैं, एवं किन्हीं दो लाइंस के बीच जो वोल्टेज होगा उसको लाइन वोल्टेज के नाम से जानते हैं, तथा प्रत्येक लाइन में जो फ्लो होने वाली करंट है उसको लाइन करंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रत्येक फेज में जो करंट फ्लो होगी उसे फेज करंट, और जो लाइन के बीच में करंट फ्लो होगी उसको लाइन करंट के नाम से जानते हैं। तो इतना तो हो गया सिर्फ हमारा बेसिक सा यार कि डेल्टा कनेक्शन होता क्या है और इसका कनेक्शन कैसे हम लोग करते हैं उसके बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट लेवल आता है उसमें हम लोग जानेंगे कि जो डेल्टा कनेक्शन है भाई, ठीक है, जो डेल्टा कनेक्शन है इसमें लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज यानी VL तथा फेज वोल्टेज VPS के मध्य यानी बीच रिलेशंस। देखिए डेल्टा कनेक्शन में प्रत्येक फेज जो होते हैं, डेल्टा कनेक्शन में प्रत्येक फेज किन्हीं दो लाइनों के बीच जुड़ा होता है, इसलिए इस कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज के बराबर होता है। जिस तरीके से आपने स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज मतलब करंट केस में उसमें लाइन करंट और फेज करंट के बीच में देखा था IL बराबर IPS था, उसी प्रकार से इसमें देख सकते हैं पैरेलल केस में होते हैं एक प्रकार से, तो इसमें वोल्टेज बराबर हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब देखिए बैलेंस की अवस्था में, बैलेंस स्टेजेज में यानी संतुलन की अवस्था में जो VR बराबर होंगे वो VY के, और यही बराबर होगा VB यानी टोटल बराबर होगा VPH के, एवं VRY बराबर हो जाएंगे VYB बराबर VBR इज इक्वल टू VL यानी लाइन वोल्टेज के बराबर हो जाएंगे। सो गाइस इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि VL इज इक्वल टू VPH, क्योंकि देखते हैं ए आपस में बराबर थे, इधर ए भी आपस में बराबर है, तो हम सीधा डायरेक्ट बोल देंगे कि जो फेज वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज के इक्वल होता है। तो ये तो बेसिक था भाई, जैसे हमने पिछले में पढ़ा था स्टार कनेक्शन में लाइन करंट फेज करंट के बीच में रिलेशन, उसी तरीके से डेल्टा में क्या होता है, ये समान होते हैं, जबकि स्टार में करंट वाला समान होता था। ठीक है, दोनों का अपोजिट है, बस एक बार तैयार कर लो कि सब कुछ हो जाएगा। देखिए लाइन करंट अब नेक्स्ट जो लेवल आता है, ठीक है, डेल्टा कनेक्शन में हम क्या करेंगे, जो लाइन करंट है और फेज करंट है इसके बीच यानी IL और IPS के बीच में हम लोग रिलेशन को डिराइव करेंगे, उसके बारे में समझेंगे और अच्छे से एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट से, वेक्टर डायग्राम को एक नजर में आप देख लीजिए। यहाँ पे एक हाफ मतलब एक ही आपको वेक्टर दिख रहा है, आप कहेंगे दो वेक्टर इसका क्यों नहीं दिखाया गया, देखिए आपके ऊपर डिपेंडेंट है, एक दिखा दिए दो सौ ऐसे काम चला लीजिए, लेकिन अगर आप तीनों डिराइव करते हैं तो आपको पेपर में काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तीनों कैसे डिराइव करना वो अभी हम बता देंगे। देखिए पिछले वीडियो लेक्चर में जो आप स्टार कनेक्शन के बारे में पढ़े थे उसमें हम वोल्टेज के वेक्टर को आगे बढ़ा करके पीछे बढ़ा करके खींचते थे, ये समानता चतुर्भुज बनाते थे, लेकिन यहाँ स्टार कनेक्शन है, यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन है, सॉरी यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन है, स्टार वाले में हम लोग वोल्टेज बढ़ाते थे लेकिन डेल्टा वाले में क्या करेंगे करंट को हम लोग बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले VR खींचना है, VY खींचना है, VB खींचना है, ये तीनों 120 डिग्री पर होते हैं, ये भी 120, इसके बीच भी, एक्स के बीच में सब 120 डिग्री पे होते हैं आपको पता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों से 5 डिग्री एंगल पर यानी 5 एंगल पर हम एक लाइन इधर खींचेंगे और एक इधर खींचेंगे और एक इधर खींचेंगे, जिसको हम बताएंगे कि 5 डिग्री से भाई लीड कर रहे हैं, IR, IY और IB हो जाएंगे। इसके बाद आपको यह करना है कि यहां पे जो आपको IB मिला है, ध्यान दीजिएगा IB करंट है, IY करंट है एंड IR करंट्स जो हमारी हैं, इन्हीं तीनों को लो करके वेक्टर सम खींचेंगे। देखिए जो हमारी वेक्टर मतलब IB करंट थी इसको हमने अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ा दिया, ध्यान दीजिएगा यहां पे आपको लग रहा होगा इस तरीके से जाना चाहिए, तो देखिए भाई फ्री हैंड बनाया गया है इसलिए थोड़ा सा आपको डाउटफुल है, लेकिन आप अगर एंगल माप माप करके बनाते हैं, इसके बीच में जो होगा 60 डिग्री का होगा, इस बीच में यहां के बीच में और यहां 30-30 होगा, तो अगर माप करके बनाते हैं तो बिल्कुल सही आएगा, ये तो हमने इस कैलकुलेशन से बना लिया है। तो यहां पे देखिए
आईबी को हमने क्या किया, पीछे बढ़ा दिया, और आईआर हमारा ऐसे ही था, बस इतना जब आपने कर लिया तो इसको माइनस आईबी आपको दिखाना ही पड़ेगा, इसको आईबी दिखाया गया है। अब इसके बाद क्या हमने किया कि इन दोनों के बीच में 30 डिग्री एंगल में डिवाइड करते हुए हमने इस तरह एक वेक्टर खींच दिया, वेक्टर जो हमारा इस तरीके से देख सकते हैं बढ़ा है, ठीक है, इस तरीके से वेक्टर बढ़ा है, जो वी आर था इसको हमने पीछे बढ़ा लिया। तो जैसे ही हमने यहाँ पीछे बढ़ा लिया देख सकते हो बिल्कुल, तो हमारा इन दोनों का सम आ जाता है, या तो आप इसमें ना देखते हुए यहाँ 30 डिग्री कर लोगे तो सब सीधा सीधा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पीछे बढ़ा लिया, तो जो कि आई आर और माइनस आई बी का वेक्टर सम आ गया, तो हो जाएगा वी आई आर माइनस आई बी हो जाएगा। देखिए अब कहोगे दूसरा कैसे खींचेंगे, दूसरा कहाँ से खींचना है, तो गाइस दूसरा जो आपको खींचना होगा वो देखो, ये जो आई आर है ना, इस आई आर को इस तरीके से पीछे बढ़ा लेना, और ये जो वी आर वाला था मतलब इसको जब सीधे करोगे तो ए आई 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 वाई और आई आर दोनों के बीच में एक डायग्राम बन जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। अब देखो तीसरा कहोगे कहाँ बनेगा, तो तीसरा गाइस आपका बनने वाला है, देख सकते हो यहाँ पर इस जो आई वाई करंट है इसको क्या करना, इस तरह से पीछे बढ़ा लेना, उसके बाद आई बी वाले को क्या करना है, देखो आई बी वाला ऐसे रहेगा तो सिर्फ हमें बढ़ाना किसको है, आई वाई को सिर्फ इस बढ़ाना इसके बराबर ही करना, क्योंकि देखो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, लेकिन जो वी वाई से लाइन हमारी इन दोनों को डिवाइड करती हुई जाएगी, इन दोनों में क्या होगा कि इस तरीके से एक बड़ा वाला वेक्टर आएगा, तो देख सकते हो तीनों बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो अपने पास रफली नहीं है, नहीं तो हमें भी बता देते हैं आपको किस तरीके से इसको तीनों ड्राइव करना है। तो इस तरीके से देखो यार तीनों ड्राइव करना बहुत आसान है, इजी है, जैसे उसमें हमने वोल्टेज को ड्राइव किया था उसी तरीके से इसमें करंट को कर लेना है। तो ये तो रही भाई सिंपल सी बात। तो फिगर में क्या बोलोगे, फिगर में ये कहोगे फेजर डायग्राम है आप बैलेंस डेल्टा कनेक्शन, यानी जब बैलेंस थे उस समय के डेल्टा कनेक्शन के यहाँ आपको वेक्टर डायग्राम दिख रहे हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल पर। नेक्स्ट लेवल कहने का मतलब ये है कि बढ़ते हैं इसमें कैसे लिखना है, इसको कैसे इसके फार्मूले डिराइव होंगे। देखिए उपरोक्त चित्र में यानी बिलो चित्र में आपका जो ऊपर चित्र दिख रहा है, ठीक है, एबव चित्र में, सॉरी एबव चित्र में यानी उपरोक्त चित्र में डेल्टा कनेक्शन का संतुलन की अवस्था में आपका बैलेंस स्टेज में सदिश आरेख यानी वेक्टर डायग्राम खींचा गया है, तथा इस कनेक्शन में प्रत्येक लाइन में धारा होती है जो हमारी करंट होती है, किन्हीं दो फेज धारा का अंतर ही होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें लाइन वन में धारा, यानी लाइन वन में जो करंट फ्लो होगी आई वन इज इक्वल टू आई आर माइनस आई बी होगा, दूसरे में अगर हम बात करें तो आई टू इज इक्वल टू आई वाई माइनस आई आर होगा, अगर हम तीसरे में बात करें तो आई थ्री इज इक्वल टू आई बी माइनस आई वाई हो जाएगा, जो कि इस चीज को आप इस डायग्राम की मदद से भी आप समझ सकते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर यहां से ना समझ में आ रहा जो हमने वेक्टर डायग्राम की मदद से, तो आप क्या करेंगे इसकी मदद से देख सकते हैं आई आर पहली करंट जो थी लाइन वन में आई आर माइनस आई बी, दूसरी करंट आई वाई माइनस आई आर एंड तीसरी करंट आई बी माइनस आई वाई हो जाएगी। देखिए इस तरीके से तीनों करंट आ गई, तो हम क्या कह सकते हैं आई वन इज इक्वल टू वेक्टर सम, इसका समांतर चतुर्भुज वाला नियम लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई आर स्क्वायर प्लस आई बी का स्क्वायर प्लस टू आई आर इंटू आई बी कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/2 होती है, लेकिन चूंकि आपको पता होना चाहिए इस केसेस में क्या होते हैं, जो आई आर है आई वाई और आई बी है, ठीक है, ये तीनों फेज करंट के इक्वल होते हैं एंड आई वन आई टू और आई थ्री ये लाइन करंट के इक्वल होते हैं। सो इस तरीके से हम आई आर के जगह पर सब हम देखो आई पी एच भी लिख सकते हैं, जहां आई आर आई बी लिखा वहां पे आई पी एच हम सीधा सीधा कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि सभी जगह आई पी एच रख दिया, कॉस 60 की हमने वैल्यू रख दी, 2 से 2 आपका कट गया, यहाँ पे डिवाइड फॉर्म में था, आप देख सकते हैं 3 बार था तो सीनों का होल स्क्वायर भी थे, तो 3 बार 3 आई पी एच जाएगा, लेकिन 3 का अंडर रूट नहीं हो सकता इसलिए अंडर रूट 3 में आ गया, आई पी एच के सब स्क्वायर में थे इसलिए अंडर रूट इस पर नहीं लगा है। तो आप बोल सकते हैं कि जो डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट एंड लाइन फेज, ठीक है, लाइन फेज जो है आपका फेज करंट है, ठीक है, ये फेज करंट या लाइन करंट, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, आई एल इज इक्वल टू अंडर रूट 3 आई पी एस। जबकि देखो अब यहीं पे समझ लो, जबकि आपका देखो स्टार कनेक्शन में क्या था, वी एल इज इक्वल टू रूट 3 में वी पी एच ये था, ठीक है, लेकिन इसी के केस में आई एल इज इक्वल टू आई पी एस था, स्टार कनेक्शन का ये मैं बताया, ये जो आपको दिखने को मिला ये स्टार कनेक्शन था, लेकिन डेल्टा कनेक्शन में क्या हुआ, डेल्टा कनेक्शन में क्या हो गया, जो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच में वो हो गया वी एल इज इक्वल टू वी पी एच हो गया, ठीक है, ये चीज हो गया डेल्टा में, और जो इसमें करंट थी वो आई एल इज इक्वल टू रूट 3 में आई पी एच हो गई, ठीक है, ये भाई हो गए किसमें, डेल्टा कनेक्शन में। सो गाइस इस तरीके से दोनों का अपोजिट है, बस सिंपल सा है, इस वाले को अगर बोलेगा तो आप क्या बोलते हैं वोल्टेज को बढ़ाकर ग्राफ खींच के
निकाल लेंगे, और इसको बोलेगा तो आप करंट को बढ़ा करके ग्राफ को खींच करके निकाल लेंगे। तो इतना तो हो गया बेसिक सा चीज। अब इसमें हम पावर को भी समझ लेते हैं, तो थोड़ा सा और समझने की बात है कि जो अतः जो डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट फेज करंट का कितनी होती है, अंडर रूट थ्री गुना होता है। अतः डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट फेज करंट का कितना होता है, अंडर रूट थ्री गुना होता है। देखिए पावर ऑफ थ्री फेज, ध्यान दीजिएगा पावर ऑफ थ्री फेज यानी थ्री फेज में कितनी शक्तियां होती हैं इसके बारे में समझिए। देखिए डेल्टा कनेक्शन में थ्री फेज की जो संपूर्ण यानी टोटल शक्ति होती है तीनों फेज की शक्तियों का योग होती है, ठीक है। डेल्टा कनेक्शन में थ्री फेज की जो संपूर्ण शक्ति होती है तीनों फेज की शक्तियों का योग होती है यानी एडिशन होती है, तथा संतुलन की अवस्था में गाइस क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू थ्री फेज इज इक्वल टू तीनों है तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो आपको पता है थ्री फेज की शक्ति, थ्री फेज की उधर P पावर ऑफ थ्री फेज, इसका मतलब इसको ऐसे पढ़ेंगे पावर ऑफ थ्री फेज, तो थ्री वी पी एस, थ्री तो ऐसे रहेगा, इसकी जो वैल्यू रखेंगे तो वी पी एस आई पी एस कॉस फाई हो जाएगा। तो चूंकि आपको पता होना चाहिए वी पी एच इक्वल टू वी एल होता है और यहाँ पे आई पी एच इक्वल टू आई एल अपन रूट थ्री होता है। ये कहाँ से आया, ये चीज आपकी गाइस यहाँ से जो आपने अभी दो फार्मूले एनालिसिस किए, एक तो ये वाला फार्मूला वी एल इक्वल टू वी पी एस, दूसरा फार्मूला ए वाला जो आई एल इक्वल टू अंडर रूट थ्री आई पी एस को एनालिसिस किया, इसी को जैसे यहाँ पे दोनों वैल्यू आप रख देंगे पुटअप कर देंगे तो आपका यहाँ पे जो अंडर रूट थ्री था इससे कैंसिल एक आउट हो जाएगा। तो आपका पावर आप थ्री फेज यानी डेल्टा कनेक्शन में थ्री फेज की जो शक्ति होती है अंडर रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाई, कहने का मतलब स्टार कनेक्शन हो या तो डेल्टा कनेक्शन हो दोनों की जो शक्तियां हैं वो सेम आई। देखो इसका डेल्टा कनेक्शन में शक्ति आई थी, लेकिन बात करें अगर हम स्टार कनेक्शन की तो ये वाली शक्ति आई, दोनों सेम शक्ति है उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो गाइस इस तरीके से आज की इस वीडियो में आपने डेल्टा कनेक्शन वाला भी सिस्टम पढ़ लिया। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स एंड मोर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।